चलिए, अभी जो अल्केन्स के मिसलिनियस क्वेश्चंस हमने देखे थे उनके सॉल्यूशंस हमको देखने हैं। कौन सी चीज पहले इसमें हमको बोला था, ये इन ट्रांसफॉर्मेशंस हमको करने हैं। तो जैसे ये कंपाउंड इससे हमको क्या बनाना है, ये ड्यूटेरियम कंटेनिंग कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो सिंपल कौन सी चीज करेंगे हम, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इसको हटा के हैलोजन लगा देंगे ना, तो ब्रोमिनेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज हाईली सिलेक्टेड। यदि 3 डिग्री 2 डिग्री है तो वो ऑलमोस्ट कहाँ पर हो जाएगा, दैट इज एट 3 डिग्री। तो इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, दैट इज फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। तो इस 3 डिग्री कार्बन पर ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अब अल्काइलाइट से भी अपने को अल्केन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है, उसका रिडक्शन करवाना पड़ता है। ठीक है, अभी भी हम LiAl(H4) लेते हैं ना, हमको डी लाना है तो डी लेंगे ना, तो 3 डिग्री है तो उस पर इलिमिनेशन हो जाता है। बट कौन सी चीज होती है, NaBH4 जो होता है, 3 डिग्री अल्कलाइट को अल्केन में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो हम NaBH4 की जगह पर क्या ले लेंगे, दैट इज NaBD4। तो ये Br को हटा कर क्या लगा देगा, दैट इज ड्यूटेरियम। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इसके बाद फिर कौन सी वाली चीज है इसमें ना, जैसे ये बोला है हमको, एक तो मैं इसमें दो क्वेश्चन बोले थे ना कि क्या करना है आपको, यहाँ पर ड्यूटेरियम लाना है, दैट इज ट्रांस लाना है। तो सोडियम इन लिक्विड Nd3 कर लेंगे तो ड्यूटेरियम ट्रांसपोजिशन पर आ जाएगा, है ना। और उसको अल्केन में भी कन्वर्ट करना है, तो ऐसे ही करेंगे कि सोडियम इन लिक्विड Nd3 डाल दिया और उसके बाद फिर हाइड्रोजन निकल डाल देंगे। समझ आ गई बात ये, है ना, तो ये डिजायर्ड कंपाउंड मिल जाएगा। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज, साइक्लोहेक्सेन से बोला है हमको कि ये बनाना है, इट इज 1,2-डाई-डी साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना सी मीन्स व्हाट, तो बोलेंगे यहाँ पाई बॉन्ड आ जाए तो उसके बाद फिर D2 को जोड़ना आसान होगा। बट अल्केन से अल्कीन बनाना है तो डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, किस टाइप से बनेगा, तो हम बोलेंगे पहले इसका हम क्या करवा दें, हैलोजिनेशन, और फिर करवा दें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे अपने को वो अल्कीन की प्रिपरेशन लेनी पड़ेगी ना, अल्कोहलिक क्यूएच वगैरह जो रिएजेंट हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट स्टेप में इसका करवा दिया हमने ब्रोमिनेशन नाइट्रोजन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसके बाद फिर क्या करवा दिया, अल्कोहलिक क्यूएच, तो उससे क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन। उसके बाद D2NNI। ठीक है, तो D2NI डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन पर आ जाएगा DND। समझ आ गई बात, ये दोनों कार्बन पर यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाता है। क्लियर है? इसके बाद फिर नेक्स्ट हमको बोला है इथेन से क्या बनाना है, दैट इज 1T इथेन बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे सिंपल, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अल्काइलाइट बन गया। फिर LiAl(T4), जैसे LiAl(H4) होता है वैसे LiAl(T4) ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पर ट्रिटियम आ जाएगा। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रिएक्शंस के हमको प्रोडक्ट बताने, तो सिंपल है इसका डी कार्बोक्सिलेशन, तो बस CO2 हट जाएगा, क्या बन जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। फिर ये कंपाउंड क्या है, हमने दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्या करना है, CO2 उड़ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2-ओन, है ना। इसके बाद फिर ये क्या है कंपाउंड, दिस इज अल्फा, अल्फा पोजिशन पर क्या लगेगा, सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को गर्म करने पर क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी वही है, ये वाला कंपाउंड बस यहाँ पे क्या, अल्फा कार्बन पर क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन वैसा का वैसे आ जाएगा प्रोडक्ट में, यदि अपन ने इसको नॉर्मल हीट किया है तो। ठीक है, दूसरा क्या बोला था अपन ने, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, तो सोडा लाइम के साथ क्या बनता है, दैट इज कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। फिर कार्बन आयन में से क्या भी हट सकता है, तो हम बोलेंगे Cl हट सकता है ना, जो अपन ने किस में पढ़ा था, दैट वॉज इन डाइक्लोरोकार्बीन, है ना, उसका फॉर्मेशन। तो इस कार्बन पे सी नेगेटिव, यहाँ से सी एल नेगेटिव हटाया तो क्या बन जाएगा, इट इज असाइल कार्बीन, और असाइल कार्बीन में ये क्या हो जाता है, दिस इज वुल फ्री अरेंजमेंट। तो असाइल कार्बीन में वुल फ्री अरेंजमेंट से कौन सी चीज बन जाती है, तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड कीटीन बन जाती है। समझ आ रही बात ये, है ना, इसमें ना फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलते हैं दैट इज सब्स्टिट्यूटेड कीटीन का। क्लियर है ना, तो इससे फॉर्मेशन हो गया इसका सब्स्टिट्यूटेड कीटीन। तो दिस इज द गुड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ना दो तरीकों से करना था, तो सोडा लाइम में हम बोलेंगे कीटीन भी बन सकता है। आगे बात समझ में है। इसके बाद फिर अगली चीज जो है इसमें, ना ये तो चारों क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट ही है कि CO2 CO2 उड़ा दो, हाइड्रोजन को कार्बन पर जोड़ दो, तो चारों रिएक्शन में क्या बन जाएगा,
हम बोलेंगे चारों रिएक्शंस में यहाँ नाइट्रोल के यहाँ क्या बन जाएगा इट साइनाइड बन जाएगा, यहाँ पे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे ईस्टर बन जाएगा ना। प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, सिंपली आपको क्या करते जाना है, हम बोलेंगे CO2 को हम उड़ाते जा सकते हैं, ठीक है ना। CO2 उड़ता जाएगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे डिजायर्ड कंपाउंड मिलते जाते हैं, ठीक समझ आ गई बात। इससे डिजायर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला था हमको, दिस इज रीजनिंग का क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला है कि जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इनसे भी हमको अल्केन बनाना है इससे डी कार्बोक्सिलेशन से, तो ये रिएक्शन जो होती है ये फेल हो जाती है ना। तो अपने पढ़ा था थ्योरी में कि हमने क्या बोला था यहाँ पर, रिएक्शन जो होती है इसमें क्या होता है, कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना। रिएक्शन में क्या होगा, हम बोलेंगे कार्बन आयन इज प्रेजेंट एज एन इंटरमीडिएट, और कार्बन आयन कैसे कैसे अनस्टेबल होता जाता है, कार्बन का नंबर बढ़ते जाने पर प्लस उसकी डिग्री के बढ़ते जाने पर, ठीक है। हम बोलेंगे इस टाइप के केस में जो कार्बन आयन बनता है, वो कार्बन आयन क्या बनेगा, दैट इज 3 डिग्री, और उसका बन पाना इज वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से क्या बोलेंगे हम कि इसका डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम से करवाने पर ना अल्केन को पाना इज वेरी डिफिकल्ट। अगली बात समझ में अच्छे से है ना। इसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन था इसमें क्या दिया था हमको, कि देर आर 3 isomeric alkenes विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10, ठीक है। इनको ABC बोला था, सभी का जो अपन क्या करवाते हैं, दैट इज हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, तो सबसे क्या मिलता है हमको, दैट इज 2-methyl butane मिलता है, ठीक है। तो कार्बन का बेसिक स्केलेटन हमको पता चल गया ना, कि सबके हाइड्रोजिनेशन से क्या बन रहा है, 2-methyl butane। तो हमको सिंपली कौन सी चीज करनी है, हम बोलेंगे तीनों आइसोमेरिक अल्कीन्स में से ना सिर्फ पाई बॉन्ड की लोकेशन को बदलते जाना है। तो जैसे ये बेसिक स्केलेटन बना लिया, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ, एक बार पाई बॉन्ड यहाँ, और एक बार पाई बॉन्ड यहाँ, समझ आ गई बात ये। तो इससे कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे इससे हमको ये तीन अल्कीन पता चल जाएंगी कौन सी है, ठीक है। अब कौन कौन सी अल्कीन है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमको दिया है यहाँ पर दैट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है, मतलब सी सबसे कम स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम किसमें देखेगा, इसमें, क्योंकि इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें, इसमें, क्योंकि इसमें 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए, ये हो जाएगा सी, तो ये अपने आप हो जाएगा बी। इसमें क्या है, 3 और 2, 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, आईना बराबर समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे कि सी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, तो दिस इज सी, इसमें क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, तो दिस इज ए, ये हो जाएगा बी, दैट इज बी, आईना बराबर समझ में, है ना। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें 2-3 मतलब रिएक्शन वाला फंडा भी लग रहा है और GOC वाला फंडा भी लग रहा है, समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें हमसे क्या बोला है, एक अल्केन है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14 है, और ये हमको कैसे मिलता है, हम बोलेंगे 5 C6H13Cl, इस मॉलिकुलर फॉर्मूले के 5 अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है, उस वाले स्ट्रक्चर से सेम अल्केन हमको मिलता है, समझ आ रही बात ये, है ना। तो सेम अल्केन इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ दीज 5 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो हमको ये 5 अल्काइल हैलाइड्स के स्ट्रक्चर बताने हैं, और क्या करना है, अल्केन कौन सा बनेगा ये भी बताना है, आया समझ में, है ना। अब C6H13, तो 6 कार्बन की जो चेन होती है, ठीक है, वो क्या हो सकती है, कैन बी अ स्ट्रेट चेन, स्टीरो आइसोमर्स अल्काइल हैलाइड के कंसिडर नहीं करने है ना। तो स्ट्रेट चेन में क्या हो जाएगा, एक बार क्लोरीन यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, तो इसके 3 ही क्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो ये 5 ही नहीं, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इसके बाद इसको हम देखेंगे, इसमें क्या है, ये चारों 3 डिग्री कार्बन इक्विवेलेंट, ये चारों 1 डिग्री कार्बन इक्विवेलेंट, और ये दोनों 3 डिग्री कार्बन इक्विवेलेंट, तो इसके क्या बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे चारों में से कहीं पर भी हमने क्लोरीन लगाया, क्या बनेगा, द सेम आइसोमर, तो यहाँ दोनों जगह क्लोरीन लगाया तो क्या बनेगा, द सेम आइसोमर, तो इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखेंगे हम बोलेंगे यहाँ पे 1, इधर क्लोरीन लगाया 2, और इन तीनों में से कहीं भी क्लोरीन लगाया तो सेम बना, इसके टोटल कितने अल्काइल क्लोराइड्स बन गए, दैट इज 3, समझ आ गई बात है। अभी एक और चेन बची है, इसमें यहाँ क्लोरीन लगाएंगे तो 1, यहाँ लगाया तो 2, यहाँ लगाया तो 3, और इन दोनों में से कहीं भी लगाया तो 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
हम बोलेंगे जो अल्केन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और इसके जो चार अल्काइल लाइट्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, एक बार क्लोरीन यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार इन दोनों में से कहीं भी, तो क्या बनेगा द सेम हैलाइड, है ना। तो चारों हैलाइड्स के स्ट्रक्चर इसमें स्टीरो आइसोमर एक्सक्लूड करने के लिए बोला था, तो यहाँ और यहाँ के जो स्टीरो आइसोमर थे उनको हटा दिया, अदरवाइज क्या हो जाता, फाइव की जगह ही सेवन हो जाते, आए ना बराबर समझ में, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले होते हैं, क्लियर होगी बात ये, है ना, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ज्यादा है। तो आइसोमर का भी एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर, और साथ में है ना अपना क्या गेट है, अल्किन बनाने की मेथड भी यूज हो गई, क्लियर है ना। तो ये सारे एक बार ढंग से एनालाइज कर लीजिए, विल बी लर्निंग।